यह है 350 साल से भी ज्यादा पुरानी जमादार की हवेली। ये हवेली थारनेर नाम के एक छोटे से गांव में है, जो धुलिया से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराणा प्रताप के वंशज पिछले 6 पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं। वैसे हमारे देश में ऐसी कई सारी जगह है जो अपने साथ एक शानदार इतिहास संजोए हुए है। दोस्तों, अब मैं आपको ले जा रहा हूँ मेरे गांव, जहाँ मेरा जन्म हुआ, बचपन गुजरा और उम्र के सुनहरे 20 साल बिताए। तो चलिए मेरे साथ मेरे शहर में, धुलिया शहर में। अभी सुबह के 7 बजे है और आज इतवार भी है। आज मैं आपको ले जा रहा हूं मेरे शहर की सैर कराने। तो घूमते हैं धुलिया शहर को मोटो वांडरर केबी के साथ। दोस्तों, अभी हम आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ की मिसल पाव पिछले 4 दशकों से लोगों की जुबा पर राज कर रही है। सुबह सुबह यहाँ की भीड़ देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की मिसल कितनी स्वादिष्ट और टेस्टी होगी। बचपन में यहाँ पास के ग्राउंड पर हम क्रिकेट खेला करते थे। खेल खत्म होने के बाद पेट पूजा करने के लिए यही आया करते थे। आज उन बातों को लगभग 20 साल बीत चुके हैं और 20 सालों बाद आज मैं फिर से यहाँ आया हूँ मिसल खाने। यहाँ की मिसल वन ऑफ द बेस्ट मिसल है जो मैंने आज तक खाई है, और आप यहाँ आए तो यकीन के साथ कह सकता हूँ आप उंगलियां चटते रह जाओगे। और ये आया दही कलाकंद, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। मंदिर है। यह है यहाँ का विट्ठल मंदिर। इसका निर्माण 1966 में हुआ था। अब हम आए हैं एक ऐसी जगह जो एक संशोधन संस्था है। इसे समर्थ वाग देवता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की विशेषता यह है कि महाराष्ट्र के संत रामदास जी के स्वयं के हाथों से लिखी वाल्मीकि रामायण, उनके मनाचे श्लोक और छत्रपति शिवाजी महाराज को लिखे 9 पत्रों की ओरिजिनल कॉपी आज भी यहाँ मौजूद है। धुलिया शहर में राजवाड़े प्रतिष्ठान का वस्तु संग्रहालय और समर्थ वाग्देवता मंदिर, ये उन जगहों में से है जो अपने सुनहरे इतिहास को आज भी संजोए हुए है। संस्कृत मध्ये केलं आणि मराठी आणि इंग्रजी। ये है यहाँ का फेमस और मोस्ट क्राउडेड मार्केट, पाचकंदील मार्केट। ये है धुलिया शहर का सेंट्रल बस स्टैंड। आइए अब आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूं जो यहां का प्रमुख आस्था का स्थान है।
है आई एकवीरा देवी का मंदिर। यहाँ हर साल चैत्र नवरात्रि में भव्य यात्रा का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्रातील पाचवं शक्तिपीठ मानलं जाणारं आई कुलस्वामी एकवीरा माता जगदंबाचं मंदिर आहे। ते आमच्या माहितीप्रमाणे तर आजच्या ह्याच्याप्रमाणे तर आमची पिढी पाचवी पिढी झाली। 350 वर्षापूर्वीच्या पहिल्याचं मंदिर हे सांगितलं जातं। अहिल्याबाई होळकरांनी पहिल्यांदा याचा दिवस केला होता। आईची मूर्ती स्वयंभू आहे, तिला कोणीही मंत्रोपचाराने मना करून तिला स्थानापन्न केले नाही। आई स्वयं प्रकट झालेली आहे, पद्मासनामध्ये आई बसलेली आहे। आणि आमच्या इथे दोन उत्सव मोठ्या उत्सवात होतात, एक अश्विन नवरात्र आणि चैत्र नवरात्र। चैत्र नवरात्रामध्ये चतुर्दशीला कुळाचार कुलधर्म होतो, कोणाची शेती जाळव नवस वगैरे पेरले जातात। आणि चैत्राच्या पौर्णिमेला आई साहेबांची पालखी रथ मिरवणूक पूर्ण धुळे शहरात होतो। आणि अश्विन नवरात्रामध्ये 9 दिवस बाहेर गावून म्हणजे बाहेर देशाला सुद्धा लोक दर्शनाला येतात। पाचवं शक्तीपीठ हे मानलं जातं, 3.5 शक्तीपीठामध्ये चौथा आपला वणीगड येतो, तिचा पाठोपाठ पाचवं धुळ्याचा एक वेळ आहे। बचपन में इन्हीं यात्रा के दौरान हम यहाँ के मेले में खूब आया करते थे। वो गुब्बारों का फोड़ना, मौत का कुआं देखना, झूलों पर झूलना और ढेर सारे खिलौने खरीदना, बचपन के वो पल फिर से आंखों के सामने आ गए। क्या सुनहरे दिन थे वो, काश हम आज भी बच्चे ही होते। दोस्तों अब हम जा रहे हैं हाल ही में बने श्री स्वामी नारायण मंदिर की ओर। सुना है बहुत ही भव्य और सुंदर बनाया है, चलिए देखते हैं।